तो भाई लोग जिन भी लाइव स्ट्रीमर्स को हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं उनकी स्ट्रीम पे कि जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स उनके बढ़ते हैं, वैसे वैसे एक सब काउंट होता है जो लाइव अपडेट होता चलता है, कि जब भी कोई नया बंदा सब्सक्राइब करता है वो काउंट जो है वो बढ़ जाता है, 1, 2, 3 या 5 जितने भी सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप अपने OBS में भी ऐसी सेटिंग कर सकते हैं कि जब आप लाइव कर रहे हो और सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़े तो वो जो एक लाइव अपडेट है वो आपकी स्ट्रीम पे आते रहे कि कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी जबरदस्त, जिंदाबाद, हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हेल गेमिंग। और ये वीडियो उन भाई लोगों के लिए है जो OBS का यूज़ करते हैं, OBS स्टूडियो का यूज़ करते हैं या फिर स्ट्रीम लैब्स OBS का यूज़ करते हैं अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए। जल्दी से देखते हैं कि कैसे आप लाइव सब काउंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे वो एक काउंट जो है वो अपने आप को अपडेट कर देगा कि नया सब्सक्राइबर आ गया है, फिलहाल करंट सब्सक्राइबर्स कितने हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपनी OBS की स्क्रीन पे, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक OBS की बेसिक सेटिंग करके रखी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया है, या आप में से वो भाई लोग जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं नहीं जानते हैं अभी OBS की कैसे काम करता है, क्या बेसिक सेटिंग्स होती हैं, तो उनके लिए एक बहुत यूज़फुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो है। मैं ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक दे रहा हूँ, चेकआउट करिए। और फिलहाल चलते हैं अपनी OBS की स्क्रीन पे। तो भाई लोग यहाँ पे हैं हम लोग अपनी OBS की स्क्रीन पे, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने सेटअप किया था। यहाँ पे 4 सीन थे। स्ट्रीम स्टार्टिंग के लिए एक सीन था, गेम सीन था जहाँ पर आपका गेम चलेगा, इसके अलावा बी राइट बैक नाम से एक स्क्रीन थी, और फाइनली स्ट्रीम एंडिंग के नाम से थी। तो यहाँ पे या किसी भी सीन पे आप चाहें तो वो लाइव सब काउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गेम सीन में इसको ऐड करने वाला हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रोम खोलेंगे और अपने उस चैनल पे जाएंगे जिस चैनल का हमको सब काउंट उठाना है। ओपन करते हैं यूट्यूब और यूट्यूब पे वो चैनल सर्च करते हैं जो चैनल हम लोगों को जहाँ से सब काउंट चाहिए जिसके। आप लोग यहाँ अपना चैनल सर्च करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर। क्लिक करने के बाद आपके ब्राउज़र पे ऊपर ये जो लिंक आ रहा है, ये जो एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके चैनल का एड्रेस है, चैनल का लिंक है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे हम लोग, कॉपी। अब एक नई विंडो खोलेंगे और उसमें हम लोग सर्च करेंगे लाइव सब काउंट, लाइव सब्सक्राइबर काउंट, और कोई भी एक वेबसाइट खोल लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ हालाँकि मैं क्या प्रेफर करता हूँ, जिससे कि साफ एकदम दिखाई दे। एक ये वेबसाइट है और यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना जो चैनल का हम लोगों ने वहाँ से उठाया था, जो URL उठाया था, उसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे उसको और सर्च करेंगे। सर्च करने पे यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर अपडेट हो जाएंगे, 304 सब्सक्राइबर्स हैं अभी। और अभी आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है, ये वाला नई वेबसाइट का, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और अब जाएंगे अपने OBS में। OBS में आने के बाद जिस सीन पे आपको सब्सक्राइबर्स ऐड करने हैं, मान लीजिए इस सीन पे ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आप नया कंपोनेंट जोड़ेंगे सोर्स में, ऐड, और ऐड करके ऊपर एक ऑप्शन है ब्राउज़र, ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम दे देते हैं हम लोग इसको, जिससे कि ध्यान रहे, लाइव सब्स हमने नाम रख दिया, ओके। और यहाँ पे जहाँ पे URL लिखा आ रहा है, यहाँ पे हम लोग उस URL को पेस्ट कर देंगे जो हम लोग अभी कॉपी करके आए हैं, जो हम लोगों ने लाइव सब काउंट वाली साइट से कॉपी किया है, पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद ओके, अब यहाँ पे वो वेबसाइट का पेज खुल जाएगा, आप ये देख रहे हैं। लेकिन मेरे को इतना बड़ा डिस्प्ले नहीं चाहिए, ये जितना बड़ा डिस्प्ले हम लोगों को दिखाई दे रहा है, हम लोगों को तो केवल ये नंबर चाहिए, ये नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको काटेंगे और केवल इतना इस एरिया हम लोग सेलेक्ट करेंगे। लाइव सब काउंट पे यहाँ पे जहाँ सीन्स हैं इन पे राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे फिल्टर्स पे, फिल्टर एक ऑप्शन है, क्लिक करेंगे इस पे, नीचे प्लस के साइन से ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को फिल्टर सेलेक्ट करना है क्रॉप, क्रॉप पैड, ओके। और हम लोग यहाँ पे क्रॉप करना शुरू करेंगे, लेफ्ट से मान लीजिए 300 करके देखते हैं, 300 ठीक ठीक आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इसको, लेट्स से 320 बिल्कुल परफेक्ट है। टॉप से हम लोग करते हैं, मान लीजिए दोबारा 300 करके देखते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं टॉप से, लेट्स से 350 करते हैं इसको, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 370 इज़ फाइन। राइट से ऐसे ही क्रॉप करेंगे, जो राइट वाला हिस्सा है वो भी क्रॉप हो जाए पूरा, लेट्स से 300 अगेन, 300 ज़्यादा हो गया, कम करते हैं इसको, 260 परफेक्ट आ गया। अब नीचे से बॉटम से हम लोग को अगर 80 भी करेंगे शायद तो भी चलेगा, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 100 कर लेते हैं,
और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, 120 कर लेते हैं, जितना आप कट रखेंगे तो ये परफेक्ट है अभी। तो हम लोगों को ये नंबर चाहिए था, नंबर शो हो रहा है और क्लोज, तो ये हमारा सब काउंट आ गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ये सब काउंट हम लोगों को ऐसे ही दिखाई देगा वाइट बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से लिखा हुआ, जो कि कई बार आप लोगों ने स्ट्रीमर्स के पास देखा होगा कि पीछे ट्रांसपेरेंट होता है वो, पीछे जो गेम की स्क्रीन है वैसे ही आती रहती है पर सामने ये सब काउंट आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैं आपको एक इमेज ऐड करके बताता हूँ कि कैसे इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। एक इमेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे छोटी सी, और जो भाई लोग हमारे मोबाइल से स्ट्रीम करते हैं, मतलब मोबाइल गेम्स को स्ट्रीम करते हैं, उनके लिए नीचे एक छोटी सी बार लगाते हैं हम लोग, बॉटम बार बोलते हैं उसको, इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लाइव सब काउंट वगैरह देते हैं और ऊपर छोटी स्क्रीन होती है जो जहाँ पर गेम चलता है। तो मान लीजिए इसको यहाँ पुटअप करते हैं, अभी ऊपर ले आता हूँ मैं जिससे आपको दिखाई दे। और अभी ये मेरे को वाइट कलर हटाना है जो बैकग्राउंड का है, और ये जो आपको ब्लैक कलर का लिखा दिखाई दे रहा है इसको वाइट करना है। तो इसके लिए हम लोग एक और फिल्टर अप्लाई करते हैं जल्दी से। तो भाई लोग दूसरे फिल्टर के लिए फिर हम लोग जाएंगे वहीं ब्राउज़र, राइट क्लिक, फिल्टर्स, और ऐड करेंगे नया फिल्टर। ये फिल्टर होगा कलर करेक्शन, ओके। और यहाँ पे गैमा जो है इसकी वैल्यू आप बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे एकदम लेफ्ट, और आप ये देखेंगे जो ग्रीनिश कलर का सब काउंट आ रहा था अभी ये डार्क ब्लैक हो गया है। और कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू भी एकदम माइनस में कर देंगे एक्सट्रीम। आप ये देखेंगे अभी बैकग्राउंड पीछे ब्लैक है और ये एकदम वाइट हो गया, कलर जो है इन्वर्ट हो गए, तो आपका जो सब काउंट है वो वाइट कलर का लिखा आएगा। अभी प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही है हमारे पास कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, तो इसको हम लोगों को हटाना है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है। इसके लिए एक और फिल्टर ऐड होगा, जल्दी से ऐड करते हैं, और ये फिल्टर होगा कलर की, ओके। और यहाँ जो सिमिलैरिटी ऑप्शन आ रहा है, सिमिलैरिटी को आप एक्सट्रीम कर देंगे एकदम, और यहाँ पे आप देखेंगे बैकग्राउंड जो है ब्लैक जो था वो रिमूव हो गया है अभी, और क्लोज, एज सिंपल एज दैट। इतना आपको करना है, और आप ये देखिए कि अभी आपको लाइव सब काउंट के पीछे जो रेड कलर है वो दिखाई दे रहा होगा। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक नया टेक्स्ट लिख लें, लेट्स से आपको टेक्स्ट में लिखना है, मतलब जो भी आप सब काउंट अपना रखने वाले हैं, स्लैश मान लीजिए रखते हैं 350 मेरा नया सब काउंट रहेगा। थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर लेंगे, लेट्स से 100, और ओके, और इसको हम लोग ड्रैग कर लेंगे नीचे यहाँ पर, और इसका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा करके और यहाँ पे लगा देंगे। और अभी आपको ये दिखा रहा है जब भी आप लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो इतना आपका सब गोल है और ये आपका करंट सब काउंट है। अब एक बार इसको चेक करते हैं कि अगर हम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये सब काउंट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। दोबारा से चलते हैं ब्राउज़र पर अपने, और वो चैनल खोलते हैं यहाँ पर, और इसको हम लोग सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब किया यहाँ पर, नीचे हमारे पास आ गया सब्सक्रिप्शन एडेड, और अभी चलते हैं देखते हैं कि वहाँ पर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। 304 अभी दिखा रहा है ये, और 305 हो गया। तो इतनी जल्दी ये जो सब काउंट है ये अपडेट हो जाएगा, और इसी तरीके से इतना सिंपल है करना इसको। तो भाई लोग ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो। और स्ट्रीमिंग से रिलेटेड, गेमिंग से रिलेटेड और यूज़फुल वीडियोज़ हैं, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कॉर्ड पे कैसे डिस्कॉर्ड बनाएं, अपना सर्वर कैसे बनाएं, स्ट्रीम लैग फ्री स्ट्रीम कैसे करें, इस टॉपिक्स पर रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेंगे, यूज़फुल लगेंगे। फिलहाल आपको करना है एक लाइक, कमेंट कर दीजिए अच्छा सा अगर हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो तो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को वो लाल वाला बटन दबा के, और घंटा आपको ज़रूर दबाना है क्योंकि आपको पता है कि चमत्कार सारा उसी से होता है, जब भी एक नई वीडियो आती है वो घंटा बजता है और आपको पता लगता है कि नई वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।